नमस्कार, मैं आरके सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और हमारा आज का वीडियो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है, जी हाँ, जिन्होंने 12th पास किया है या 12th का एग्जाम दिया है बायो सब्जेक्ट लेकर के, चाहे उन्होंने मेन सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी ली हो या एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसी सभी बच्चियाँ जो है, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम है आपका, एक सिंपल क्षेत्र है मेडिकल का क्षेत्र, तो मेडिकल के क्षेत्र में वो अपना कैरियर बना सकती हैं। जी हाँ, आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं नीट और नर्सिंग की। तो नीट और नर्सिंग की तैयारी करके ऐसी बच्चियां जिन्होंने बायो लिए रखा है सब्जेक्ट 12th में, वो मेडिकल के क्षेत्र में अपना एक सुनहरा भविष्य जो है वो बना सकती हैं। और यहाँ का माहौल जो है वो बच्चियों के अनुकूल भी रहता है। तो किस तरह से वो तैयारी कर सकती हैं, तो हम कुछ उनको बेशक बताना चाहेंगे। वैसे हमने इस चैनल में कई वीडियो हमारे हैं जिसमें नर्सिंग या नीट की तैयारी कैसे करें उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। तो ऐसी बच्चियाँ जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है 12th का, या उन्होंने 12th बायो के साथ पास किया है, तो ऐसी बच्चियां नीट, जी हाँ, MBBS नीट के माध्यम से आपको मिल सकता है, या BMS कॉलेज मिल सकता है, या आप आर्मी नर्सिंग में जा सकती हैं। और इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेजों से PNST एक एग्जाम होता है आपका, जो आपका रेगुलर रूप से हर वर्ष होता है, और जो व्यापम है उसके द्वारा एग्जाम ये आयोजित होता है। तो इससे आपको जो है, मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज है उनसे आपको BSc नर्सिंग का 4 वर्ष का कोर्स करना होता है, और इस कोर्स करने के बाद आपका जो सरकारी जॉब नर्सिंग ऑफिसर के रूप में लगभग 100%, लगभग नहीं कहेंगे हम, 100% ही होता है। इस तरह से ही आपका BSc नर्सिंग 4 ईयर आपका ये डिग्री कोर्स कंप्लीट होता है, आपको शासकीय हॉस्पिटल में जो है वो नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जॉब मिल जाता है। अब हम बात करें, खास तौर से हम अलग अलग बात करेंगे, यदि आप PNST की तैयारी करना चाहते हैं अर्थात नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा। PNST के नाम से आपका एग्जाम होता है, और इसमें आपके टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, और मार्क्स भी आपका 150 का होता है, जिसमें से 30 आपके फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, और बायो से आपके 60 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन आपकी लगभग 9th-10th लेवल की इंग्लिश से आता है। और 150 मार्क्स में यदि आप 50% या उससे कम मार्क्स भी प्राप्त करते हैं तो आपको सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो उसकी न्यूनतम योग्यता है, आपकी आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, चाहे नीट हो चाहे आपका नर्सिंग हो। और जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका कोई अलग से नहीं है, कोई अजूबा सिलेबस नहीं है, जो आपने 11th और 12th में खासतौर से, तो NCERT आपकी लगभग हर स्टेट में, MP में भी आपकी NCERT लागू हो चुकी है। तो 11th 12th का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आपने सिलेबस है आपका, और इसी को पढ़ करके आप एग्जाम निकाल के PNST का और नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं। अब हम बात करें नीट की, तो बहुत सारी बच्चियां नीट के बारे में डरती हैं कि सर नीट काफ़ी कठिन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि हमने ठान लिया है तो कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, और अब तो नर्सिंग और नीट का सिलेबस लगभग सेम हो चुका है आपका। तो नीट में आपके जो है वो क्वेश्चनों की संख्या आपकी 200 रहती है, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके मुख्य रूप से बायो के आपके क्वेश्चन जो है रहते हैं, 90 क्वेश्चन रहते हैं, इसी तरह से 90 क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन 50 रहते हैं, इसमें आपको जो है 45 क्वेश्चन, वो 100 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको 90 क्वेश्चन करने होते हैं। इसी तरह से आपका फिजिक्स में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 45 करने होते हैं, केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन होते हैं आपको, और 45 क्वेश्चन करने होते हैं, और 720 मार्क्स का होता है, और लगभग इसमें यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 600 के आसपास अगर नंबर मिलते हैं आपको, तो आपका आपको MBBS कॉलेज मिल जाता है। और खासतौर से OBC हो गया आपका, ST SC हो गया, तो इनके नंबर के कट ऑफ मार्क्स जो है वो जनरल से थोड़ा सा नीचे जाता है।
और एक हमने आपको उसे चैनल में ही एक वीडियो बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में नीट को लेकर के एक आपका जीएस कोटा शुरू किया गया है। जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल कोटा। तो इसमें सभी वर्गों के लिए अपने ही वर्ग में जो है वो 5% सीटें आरक्षित की गई हैं, और ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने 9 से लेकर के 12th तक आपका मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययन किया है, तो इनके लिए काफी नीट आसान है। और हमने एग्जाम्पल भी दिए थे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि 137 नंबर, जी हाँ 720 में, 150 नंबर, इन नंबर में भी जनरल की बच्चियां जो है वो सिलेक्ट हुई हैं और MBBS कॉलेज में उन्होंने एडमिशन पाया है। तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं और बहुत अच्छा कैरियर है, काफी सम्मानजनक कैरियर है, बच्चियों के अनुकूल है ये। तो यदि आपने बायो सब्जेक्ट लेके किया है और आपकी रुचि मेडिकल क्षेत्र में है, तो मेरी तो यही राय है आपको कि आप नीट या नर्सिंग की तैयारी करके और मेडिकल क्षेत्र में अपना अच्छा कैरियर बना सकती हैं। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जानकारी के लिए, खासतौर से युवाओं के लिए, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, यदि वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बंडे एग्जाम जो आम कंपटीशन होते हैं आपके, UPSC है, PSC है आपका, बैंक, SSC, रेलवे, आर्मी वगैरह का है, तो इसके संबंध में मैं जो भी नई अपडेट आते रहते हैं तो मैं इसमें आपको देता रहता हूँ। तो यदि आप नए हैं चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारी हर व्यक्ति तक पहुँच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।